एंड जुबिन, मेरा सवाल आपसे भी है, ये गाना नुसरत जी का गाना है, ये उन्होंने गाया था ये गाना, तो हियर ऑन योर सेंटर जुबिन दिस साइड, यस साइड, यस ओके। तो ये गाना नुसरत जी ने गाया था, तो कितना प्रेशर आपके ऊपर था जब एक ये गाना ऑलरेडी एक लेजेंड ने गाया हुआ है एंड अब आप गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता ये लग रहा था कि लोग जज करेंगे या लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, कि किस तरीके, कितना प्रेशर था? ऑनेस्टली आई हैव नेवर टेकन प्रेशर। जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अगर प्रेशर्ड हूँ तो मैं शायद रिकॉर्ड करने जाता ही नहीं उस गाने को। ये एक अच्छा गाना, एक अच्छी रिक्रिएशन थी और बहुत ही खूबसूरत गाना था अपने आप में, जिसको लिखा बहुत अच्छी तरह से गया था। तो मुझे लगता है कि जस्ट द सॉन्ग इटसेल्फ, जो उसकी धुन है, इट ड्रोव मी टुवर्ड्स इट एंड दैट्स व्हाट लुट गए इज टुडे। मुझे आपसे ये पूछना है कि हम हर एक सॉन्ग में आपको देखते हैं, वो सैड हो, हैप्पीनेस हो, सो इस जो सॉन्ग्स में आप कैसे फीलिंग्स लाती है, ये हम मेरा सवाल है आपसे। देखिए, जब मैंने शुरू करा था गाना, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं इतने सारे जॉनर्स निभा पाऊँगा, गा पाऊँगा। द क्रेडिट गोज टू भूषण सर, ही पुशेज मी एवरी टाइम टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड डू डिफरेंट जॉनर्स एंड वी एंड अप क्रिएटिंग मैजिक एवरी टाइम। सुपर। सारे कितने कितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे माइलस्टोन्स एक साथ आए हैं। यार गाना इतना खतरनाक है, जब तक ऑनेस्टली सिंगर का एंट्री होती है गाने में, तब तक गाने में ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका होता है, काफ़ी हार्डवर्क जा चुका होगा गाने के पीछे। सो मनोज जी एंड तनिष्क, यू गाइज हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब सर फॉर मॉनिटरिंग दैट होल थिंग, इट्स अमेजिंग। एंड जब एमी भाई उस पर आते हैं, मतलब ही इज लाइक द किंग ऑफ लिप सिंक्स व्हेन ही इज लाइक देयर, ही इज लाइक ऑन द स्क्रीन, इट्स सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी हिम डू दिस ब्यूटीफुली इन द सन। हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। सुबिन, हाउ डू यू गेट दैट?